आज मैं आपको आलू और ब्रेड का नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं उबले हुए और 8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। और अब हम एक बाउल में आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलुओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इन ब्रेड को तोड़कर डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ब्रेड का चूरा बना लेंगे। तो इस तरह से हम सभी ब्रेड को डालकर यहाँ पे हमने चूरा बना लिया है और थोड़ा सा ये मोटा मोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। और अब हम इसमें ये थोड़े से प्याज, हरी मिर्च और अदरक लेंगे। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और इसमें आधी छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा थोड़ा सा चटक जाने के बाद हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च लिया था, छोटे पीसेज में काट लिया था, और एक टुकड़ा अदरक का, ये भी मैंने महीन कर लिया है। और एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी हमने महीन कर लिया है, और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ये जो आलू रखे हैं उसको भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1.5 छोटा चम्मच, आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आपको अगर तीखा पसंद हो तो इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तो एक कटोरी हमने ब्रेड क्रम्स अलग रख दिया है और बाकी ब्रेड क्रम्स जो है इसमें हम आलूओं में मिक्स कर लेंगे। तो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने हाथों से ये इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से हम इसको एक किनारे रखेंगे। और अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ये ब्रेड क्रम्स थोड़ा थोड़ा चारों तरफ फैला लेंगे। ब्रेड क्रम्स को फैलाने के बाद हम इन आलूओं को इस पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स अच्छे से फैला लिया है, इससे जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और इस तरह से हम आलू को चारों तरफ डालकर और अच्छे से फैला लेंगे और एक पलटे की मदद से इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से बराबर कर लिया है। आप चाहें तो एक प्लेट की मदद से, हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स डालकर और इसको भी अच्छे से बराबर फैलाकर और थोड़ा सा किसी भी चमचे से इसको थपथपा दीजिए और थोड़ा सा फ्रिज में रख दीजिए। 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसको हम चौकोर पीसेस में काट लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नाश्ता, ये देखिए कितना बढ़िया बनता है, ऊपर से भी क्रिस्पी और नीचे से भी क्रिस्पी बनता है। जब हम ऊपर नीचे ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं तो जब हम इसे तलेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब यहाँ पे हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। बहुत कम तेल में ये अच्छा नाश्ता बन जाता है। और इसमें ये डालकर और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ सेकने के बाद हम दूसरी तरफ भी पलटकर सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना क्रिस्पी हुआ है। और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और इधर से भी थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल, जिससे दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए तथा अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।